हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं वीडियो फैक्ट चैनल। दोस्तों, भारत में 5 अक्टूबर से वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। पहली बार पूरा टूर्नामेंट भारत में खेला जा रहा है। 10 टीमों वाले इस वर्ल्ड कप के लिए लगभग सभी टीमें भारत पहुंच गई है, जिसमें पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल है। इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए भारत में हर शहर और मैदान पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई है, लेकिन इसके बीच एक ऐसी धमकी आई है जिसने भारत सरकार और BCCI के होश उड़ा दिए। दरअसल ये धमकी कनाडा से आई है। खालिस्तानी आतंकी संगठन के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत सरकार को धमकी देते हुए कहा कि 5 अक्टूबर से क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं बल्कि वर्ल्ड टेरर कप शुरू होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ दिनों से खालिस्तान को लेकर भारत और कनाडा के रिश्ते खराब चल रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार पर अपने एजेंट्स के जरिए कनाडाई नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाया था। भारत सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया था, लेकिन साथ ही कनाडा को करारा जवाब देते हुए बताया था कि निज्जर एक खालिस्तानी आतंकी है जिसे कनाडाई सरकार ने अपने देश में पनाह दी हुई। इसके बाद से ही दोनों देशों में ठनी हुई। अब इसी माहौल के बीच कनाडा में बने सिख फॉर जस्टिस नाम के खालिस्तानी आतंकी संगठन के प्रमुख पन्नू लगातार भारत को धमका रहा है। अब एक बार फिर वर्ल्ड कप के बहाने पन्नू ने धमकी दी। रिपोर्ट के मुताबिक पन्नू ने एक ऑडियो मैसेज में भारत में होने जा रहे वर्ल्ड कप को निशाना बनाने की बात कही। पन्नू ने इस मैसेज में कहा कि भारत में 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, लेकिन 5 अक्टूबर से उनका संगठन वर्ल्ड टेरर कप यानी आतंक का वर्ल्ड कप शुरू करेगा। दोस्तों, आतंकी पन्नू की धमकी मिलने के बाद से BCCI डरी हुई है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में पूरी दुनिया के बड़े खिलाड़ी भाग लेने आ रहे हैं, जबकि भारत के सुपरस्टार खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी आतंकी निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। धमकी मिलने के बाद भारत सुरक्षा एजेंसियों ने इसकी जाँच शुरू कर दी और सभी टीमों की सुरक्षा को बढ़ा दिया। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाएगा, जिसमें मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि 29 सितंबर में वार्म अप मैचों की शुरुआत होगी। तो अब दोस्तों, अब आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही ऐसी खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल वीडियो फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।